दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा फार्म भरना है और आप पर भरना नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस फार्म को भर सकते हैं। ये फार्म है एप्लीकेशन फॉर एटीएम डेबिट कार्ड, यानी आपका डेबिट कार्ड अभी तक नहीं आया है आपके खाते का, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने इस फार्म को भर लेना और इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बायो यानी ब्रांच, या आपको अपनी वो ब्रांच लिख देनी है जो आपकी ब्रांच हो। यहाँ पर कोई भी ब्रांच लिख देना, आपको यहाँ पर अपनी वो ब्रांच लिखनी है जो आपकी ब्रांच हो। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया लैम, लेकिन गलत है, यहाँ पर नाम नहीं, आपको अपनी ब्रांच लिखनी है। जैसे कि मेरी कोई भी ब्रांच है, मेरी है अहमदगढ़ है, तो यहाँ पर मैं अहमदगढ़ लिख देता हूँ। आपको भी अपनी ब्रांच लिख देनी है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यानी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल दी। आपको भी यहाँ पर ऐसी ही डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अपना फोटो भी लगा देना है। फोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लासिक वाले आपको इस पर भी टिक कर देना है, क्लासिक वाले इस पर क्लिक कर देना है। आपको एटीएम मंगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर पर आना और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाम लिख दिया। इस तरीके से आपका जो नाम हो वो नाम लिख देना, जो आपको जिसका खाता है जो एटीएम मंगाना चाहता है उसका। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको एक एक खाने में अपना नाम लिख देना है, जो नाम आपका खाते में, मैं वो नाम लिख देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने के तरीके से, अब आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर पहले नंबर पर देख पा रहे होंगे पर्सनल आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको वो अपना नंबर डाल देना है जो नंबर आपके खाते में लग रहा हो। कोई भी नंबर डाल सकते हैं, वो वाला नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, मैं बता रहा हूँ नंबर डाल देना है इस पर आपको। और नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिख देना है आपको ऐसे, और यहाँ पर अपना 16 अंक का अपना यहाँ पर आपको खाता लिख देना है। 16 अंक का आपको ध्यान रखना है, एक एक खाने में एक एक नंबर लिखना है, और 16 अंकों का अपना यहाँ पर अकाउंट खाता लिख देना है, जो आपके अकाउंट में जो नंबर होता है 16 अंक का, वो वाला खाता यहाँ पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट स्टेप आता है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपके खाते में यानी कि जो आपके खाते में जो आपके सिग्नेचर है आपका इस तरीके से सिग्नेचर है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर पूरे नाम लिखा था आपने, या फिर नाम, या फिर आप जो अंगूठा लगा अंगूठा वाले हैं तो अंगूठा भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे एप्लीकेशन फॉर्म एटीएम डेबिट कार्ड जो कार्ड का फॉर्म होता है, इस तरीके से आप भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ट्रिक जानने के लिए।